हैप्पी रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार, हैप्पी रक्षाबंधन। बच्चों आज बड़े खुशी का दिन है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का प्यार है। तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो है आप लोग जो है खुशी से रक्षाबंधन जो है का त्यौहार जो है मनाएं। और एक हमारे इंडिया में, हमारे भारत में यह जो त्यौहार होता है बहुत अच्छे जो ढंग से जो है भाई बहन के प्यार के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है आप के लिए, भाई बहन का प्यार, हैप्पी रक्षाबंधन, है ना। तो ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर पीके केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से यानी कि प्रवक्ता रसायन विज्ञान पवन कुमार की तरफ से जो है आप भाई बहनों को और उनके परिवार लोगों को और समस्त भारतवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई है। और सभी लोग रक्षाबंधन को बड़े प्यार से, बड़े धूमधाम से, अच्छी तरीके से मनाएं। लेकिन कुछ प्रिकॉशन आपको ध्यान में देना है, कुछ आपको प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां आपको ध्यान में देनी है। जैसे कि ये दौर किसका चल रहा है सभी लोग जान रहे हैं, ये COVID-19 का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है। थोड़ा इससे हमें क्या करना होगा, बचकर, इससे सावधानी बरत कर जो है हमें रक्षाबंधन को मनाना है। इतनी मतलब खुशियों में ना डूब जाए कि हम जो है सावधानी और प्रिकॉशन को जो है भूल जाए, है ना। तो हमें रक्षाबंधन मनानी है तो मनानी है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें क्या करना है, हमें प्रिकॉशन भी जो है ध्यान में देना है, ठीक है। तो हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन के साथ साथ जो है आप अच्छे से जो है रक्षाबंधन को जो है मनाइए। हाँ, लेकिन जो है थोड़ा सा जो भाई बहन हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे भी थोड़ा सा हमारा जो है रिक्वेस्ट है कि जो है अपने बच्चों को जो है क्योंकि इस दौर में जो है COVID-19 के दौर में मैं कहना चाहता हूँ कि इस दौर में क्या है कि सारे बच्चे जो है ठीक तरीके से जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो और स्कूल भी इस समय जो है नहीं चल रहा है, तो क्या करना होगा। तो सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है, उनके पेरेंट्स पर, उनके गार्जियंस पर जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि अब उनको जो है अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करना है, उनको उत्प्रेरित करना है, उनको किसी तरीके से जो है उनको जो है पढ़ने के लिए जो है बैठाना होगा उनको, ताकि वो पढ़ सके, इधर उधर जाना हो, घूमे ना, और पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा अब ध्यान दे, क्योंकि अभी का जो माहौल इसके पहले का था ये जो है बहुत गड़बड़ माहौल था। अभी जो है माहौल ठीक नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को, आप लोग को ही ध्यान देना है, उनको घर पर बैठाना है, उनको प्रेरित करना है और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। और जो सारे यूट्यूबर हैं या जो कोचिंग वाले हैं जो कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं कि आपके बच्चे के भविष्य बनाने के लिए, तो आपके बच्चे को भी थोड़ा सा क्या होगा, ध्यान देना होगा कि हमारा भविष्य जो है अधर में ना जाए और हम पढ़ाई करें। तो इस पर भी आपके बच्चों को ध्यान देना होगा, और ज़्यादातर आपके बच्चे से ज़्यादा आपको किसको ध्यान देना होगा, पेरेंट्स को देना होगा, गार्जियंस को देना होगा, अपने बच्चे के ऊपर जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आपके बच्चे क्या होते हैं, इस देश के जो है भविष्य होते हैं, आपका फ्यूचर होते हैं। तो अपने बच्चे को आप खुद जो है इस समय उनको, आपके बच्चे इस समय क्या है, अपने आप को अकेलेपन में जो है, अकेलेपन में जो है फीलिंग कर रहे हैं, वह यही सोच है, वो टेंशन में है, वो तनाव में है, डिप्रेशन में है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई का माहौल अपने आप जो है मेंटेन करना होगा हमें, अपने आप, हमें अपने बल पर जो है पढ़ाई करनी होगी कुछ ना कुछ, और कहीं से आप हेल्प लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी हेल्प लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, बट लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा, अपने आप को संयम में रखना होगा, अपने आप को
मेंटेन करना पड़ेगा, और वो मेंटेन जो है कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। वो आपके घर के परिवार के, आपके भाई बहन, आपके जो है पेरेंट्स जो है, वो आपको जो है इंस्पायर कर सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं कि आप कैसे जो है पढ़ाई करें। बाकी हम लोग तो जो कर रहे हैं, यूट्यूबर्स जो कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम, एक प्लेटफॉर्म ऐसा यहाँ पर बचा हुआ है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी पढ़ाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब से कैसे हम पढ़ें या क्या करें, लेकिन जब सारे ऑप्शंस आपके क्या हो, सारे ऑप्शंस अगर आपके पढ़ने के बंद हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज जो है बंद हो रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ेंगे भाई? एक ही तो एक मीडियम है, आप इस मीडियम से पढ़ सकते हैं, या तो आपके आसपास का बगल का जो है कोई जो है ऐसा अच्छा टीचर्स हो, आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, किसी के घर पर जाना और इस तरीके से पढ़ाई करना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रिकॉशन देने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई उसमें नहीं जानता कौन है जो है केसेस किस तरीके का है। तो आपको बहुत ध्यान देना, बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो बढ़िया से जो है आप जो है पढ़ाई करने के लिए अपने आप को खुद मोटिवेशन करिए, अपने आप में खूब मनन रखिए, अपने आप को धैर्य में रखिए, अपने आप को शांति अपने अंदर बनाए रखिए। और जहाँ तक है उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को खुद जो है उनको जो है बढ़िया से देखें और उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि भाई हम लोग तो उनके पास हैं नहीं, पेरेंट्स जो है उनके पास हैं, तो वो इंस्पायर कर सकते हैं अपने बच्चों को। उनको उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, आज उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि अपने बच्चों को जो है कैसे जो है मोटिवेट करना है, कैसे उनको पढ़ने के लिए घर पर जो है बैठाना है। तो बस यही तक हम बात करेंगे। तो ये आपका जो चैनल है पीके केमिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से भी अभी आपको बहुत से जो है नॉलेज दिए जा रहे हैं, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जिसकी आपकी इच्छा हो, जिस चैनल से पढ़ना चाहते हैं उस चैनल से आप जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ाई करने का एक नया जो है प्लेटफॉर्म जो है हुआ है। अगर एक प्लेटफॉर्म ना होता तो आप कैसे पढ़ाई करते, एकदम नील होती आपकी पढ़ाई। तो ये एक माध्यम यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है पढ़ने का, तो आप बेहतर तरीके से क्या करें, पढ़ें। तो बस यही आपसे हम आपको कहने के लिए आए थे। तो आज जानते हैं बड़े खुशी का माहौल है, बहुत प्यार का जो है माहौल है, क्योंकि यहाँ जो है भाई बहन का प्यार है, भी रक्षाबंधन है। तो मेरी तरफ से जो है ढेरों सारी जो है शुभकामनाएं हैं कि आप घर पर शांति से पढ़ें, ढेरों सारी जो है शुभकामनाओं के साथ जो है आप जो है पढ़ाई करें, अपने आप को मेंटेन करें, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसी के साथ जो है धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, और अपने आप को ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना घूमें, सीधा जो है पढ़ाई पर इस समय आपको फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बहुत से ढेर सारे समय क्या हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं। तो इसी के साथ जो है धन्यवाद, हैप्पी रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार, थैंक यू।